राम मंदिर के बीच अखिलेश यादव ने एक वीडियो ऐसा जारी किया, देखेंगे तो यही कहेंगे हर हर महादेव। बीजेपी को जवाब देने के लिए अखिलेश ने की भोलेनाथ की स्तुति, महादेव की महिमा का गुणगान कर श्री राम का आशीर्वाद ले लिया। भगवान राम के आराध्य महादेव की महिमा को लेकर यादव लैंड इटावा में जश्न, अखिलेश ने शिव मंदिर का जारी किया वीडियो, पूरी कहानी क्या है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। इस बीच अचानक इटावा का एक निर्माणाधीन शिव मंदिर चर्चा में आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो करीब 7 मिनट का है और इस वीडियो में एक शिव मंदिर के बारे में बताया गया है जो फिलहाल निर्माणाधीन है। तभी से इटावा का यह निर्माणाधीन शिव मंदिर चर्चाओं में आ गया। अखिलेश यादव ने जो वीडियो एक्स पर पोस्ट किया उसमें शिव मंदिर के भूमि पूजन से लेकर उसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी दिखाई जा रही है। वीडियो में मंदिर की भव्यता भी आसानी से देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस शिव मंदिर का भूमि पूजन किया गया था, उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहां मौजूद थे। राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव द्वारा इस मंदिर के निर्माण के वीडियो शेयर करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस शिव मंदिर का निर्माण इटावा ग्वालियर बाईपास रोड के लायन सफारी रोड के पास किया जा रहा है। यह मंदिर काफी भव्यता के साथ बनाया जा रहा है, काफी बड़े क्षेत्र में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दिन रात काफी संख्या में श्रमिक मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। वीडियो में देख सकते हैं फिलहाल कारीगर पत्थरों की कटाई का कार्य कर रहे हैं और मंदिर के आधे हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल मंदिर परिसर में नंदी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। इस निर्माणाधीन शिव मंदिर परिसर की सुरक्षा भी सख्त है, किसी भी बाहरी शख्स को मंदिर परिसर में एंट्री की इजाजत नहीं। बता दें कि इटावा अखिलेश यादव का क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में जब से अखिलेश यादव ने इस मंदिर का वीडियो ट्वीट किया तभी से राजनीतिक चर्चाएं भी गर्मा गई। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल अखिलेश यादव का शिव मंदिर पर किया गया यह पोस्ट कई राजनीतिक मायने निकाल रहा है। माना जा रहा है अखिलेश ने इस वीडियो को पोस्ट कर बीजेपी के उस नैरेटिव पर प्रहार किया जिसके तहत उन्हें भगवान राम का विरोधी करार दिए जाने का प्रयास किया गया। अखिलेश ने भगवान राम के आराध्य महादेव के वीडियो को पोस्ट कर ये जता दिया कि उनके दिल से ना तो राम कोई छीन सकता है और ना ही भोलेनाथ। वो उतने ही बड़े हिंदू हैं जितने बीजेपी के लोग खुद के लिए दावा करते हैं।